नमस्कार दोस्तों, आज का हमारा विषय ब्रिटिश भारत में प्रशासनिक संगठन भाग तीन। ठीक है जी, तो ब्रिटिश भारत में प्रशासनिक संगठन भाग एक में पढ़ा था हमने, क्या पढ़ा था, नागरिक सेवा। दो में पढ़ा था हमने सेना और पुलिस, और तीन में पढ़ रहे हैं हम न्यायिक संगठन। क्या पढ़ रहे हैं? न्यायिक संगठन। ओके जी, देखिए इस ये लेक्चर में या इस डिस्कशन में अगर कहें तो ज़्यादा अच्छा है, इस डिस्कशन में क्या है, आपको ये पता चल जाएगा कि जो आधुनिक न्यायिक व्यवस्था है हमारी, उसकी नींव कैसे रखी गई, स्टेप बाय स्टेप। ठीक है, कैसे तैयार हुआ। पहले तो क्या था, अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग राजा थे, उनके हिसाब से अलग अलग कानून थे। ओके, और उसमें भी भेदभाव थे, अगर उच्च कुल का है या अगर कहें रही से या उच्च जाति का, अगर उनकी भाषा में कहें तो उसके लिए कम कठोर कानून था, और निम्न जाति का उनकी भाषा में अगर कहें, या कोई गरीब था तो उसके लिए, या कोई साधारण था तो उसके लिए कठोर कानून था। ओके, तो लेकिन सबके लिए एक समान कानून कैसे बना, आधुनिक न्यायिक व्यवस्था कैसे आई, तो इसमें आपको समझ में आ जाएगा। ओके, शुरुआत करते हैं। देखिए, न्यायिक व्यवस्था का जो जनक माना जाता है वो किसको माना जाता है, वॉरेन हेस्टिंग्स। याद कर लीजिए, न्यायिक व्यवस्था का जनक वॉरेन हेस्टिंग्स, न्यायिक व्यवस्था का जनक वॉरेन हेस्टिंग्स, न्यायिक व्यवस्था का जनक वॉरेन हेस्टिंग्स, याद कर लीजिए अच्छे से। देखिए 1772 में रेगुलेटिंग एक्ट आया, बार बार मैंने आपको बताया 1772 में रेगुलेटिंग एक्ट आया। ठीक है, और उसमें क्या हुआ, उसके अनुसार 74 में कलकत्ता में कोर्ट भरे, सदर दीवानी अदालत और एक सदर फौजदारी। दीवानी मतलब आप समझ सकते हैं, दीवानी मतलब जमीन जायदाद वाले जो केस हैं, और फौजदारी का मतलब है जो लड़ाई झगड़े वाले या मर्डर वाले जो डिस्प्यूट है। और इसके साथ साथ एक जिले में एक दीवानी अदालत बनी, एक फौजदारी अदालत बनी। ओके, तो एक जिले में अदालत और एक ये कहाँ बन गई, कलकत्ता में, ऐसे ही फौजदारी। अब इसका जो जज था वो था ICS। ओके, और इसमें जो था भारतीय था, एक भारतीय था, काजी था और मुफ्ती। कारण क्या था, अभी ताज़ा ताज़ा मामला था, अभी अंग्रेज़ों का प्रशासन शुरू हुआ था, राजनीतिक शक्ति के रूप में बने थे, उभर कर आए थे, और अभी भी जो मुगल न्याय व्यवस्था है वही कहीं ना कहीं अभी प्रचलन में थी। तो इसलिए इन्होंने अपने कानून लाए तुरंत, अपने कानून जो पुरानी न्यायिक व्यवस्था चल रही थी उसी के अकॉर्डिंग इन्होंने ये डिसीजन देने शुरू किए, और ये भारतीय ज़्यादा अच्छे तरीके से कर सकता था, तो इसलिए यहाँ का जो जज था तो वो क्या था, भारतीय, और यहाँ क्या था, ICS। अब इसमें भी हिंदू के लिए हिंदू कानून थे उसके अकॉर्डिंग जजमेंट था, और मुस्लिम के लिए मुस्लिम कानून के हिसाब से। ठीक है, दीवानी में, लेकिन फौजदारी में क्या थे, मुस्लिम कानून के हिसाब से। कारण क्योंकि मुगलों का या विदेशियों का जो मुस्लिम शासक काफ़ी लंबे समय से रहा था, और विशेष रूप से मुगल जो न्याय व्यवस्था थी उसके हिसाब से था। लेकिन जब कॉर्नवालिस आया 1793 में, कॉर्नवालिस ने जाते जाते क्या किया, जब 93 में लास्ट में गया, तो इसने क्या काम किया, इस व्यवस्था को सुदृढ़ किया, मजबूत किया। अब इसने क्या काम किया, क्योंकि केस तो बहुत सारे हैं, आज भी बहुत सारे हैं, इसने क्या काम किया, पूरे बंगाल को चार भागों में विभाजित कर दिया, और उन चार क्षेत्रों में प्रांतीय अदालतें बना दी। क्या बोला उसको, चार अदालतें बना दी। तो इसके बीच में चार अदालतें और आ गई, चार अदालतें, वो भी बंगाल के चार भागों में एक एक। तो चार, अब दीवानी हो गया, चार प्रांतीय हो गया, ये हो गया। अब इसके साथ एक रजिस्ट्रार भी था, इनके नीचे क्या थे, रजिस्ट्रार थे जो प्राय यूरोपियन जज होते थे, और इनके नीचे अनेक छोटी छोटी और अदालतें थी जिनके मुकदमे कौन समझ सुनते थे, मुंसिफ और अमीन। और ये मुंसिफ और अमीन जो थे भारतीय होते थे, ये क्या होते थे, भारतीय। तो पहले तो सदर दीवानी चल रहा है, बीच में चार प्रांत आए, रजिस्ट्रार आया, और ये अनेक छोटी छोटी अदालतें, ताकि जल्दी मुकदमों का निपटारा हो। कॉर्नवालिस ने एक काम और किया, इसने ICS को, यानी कि दीवानी जज को और कलेक्टर वाले को अलग अलग कर दिया। ठीक है, अब यहाँ क्या था, ICS, अब यहाँ ICS हटा दिया, अब यहाँ कौन करेगा, दीवानी जज। ठीक है नहीं, दीवानी जज, और ICS का काम दे दिया फौजदारी में, ICS का काम फौजदारी, लड़ाई झगड़े वाले। और जो ये कानून व्यवस्था थी, जो कानून थे वो पारंपरिक कानून थे, यानी कि जो पुराने चले आ रहे थे शास्त्रों के हिसाब से, शरीयत के हिसाब से या फरमानों के हिसाब से। लेकिन फौजदारी में भी इन्होंने ये किया, चार प्रांतीय अदालतें बना दी, सदर हो गई, सदर मतलब अपर कोर्ट मान लो, हाई कोर्ट आप या सुप्रीम कोर्ट कह सकते हो, और इसमें ICS हो गया। और इसको बोला गया, जो चार प्रांतीय अदालतें थी इनको बोला गया कोर्ट ऑफ सर्किट, कोर्ट्स ऑफ सर्किट। क्या बोला गया, एक बार मेरे साथ बोलिए, रिप्लाई कीजिए, यस,
कोर्ट्स ऑफ सर्किट, क्या बोला गया, कोर्ट्स ऑफ सर्किट। ओके, तो कोर्ट्स ऑफ सर्किट, सर्किट का मतलब क्षेत्र अदालतें या प्रांतीय अदालतें। ओके जी, और इनके साथ क्या हुआ, अनेक भारतीय जज भी थे, इनके साथ अनेक भारतीय जज भी थे, और फिर जिले में वो फौजदारी वाला एज इट इज था। लेकिन फौजदारी वालों में यानी कि लड़ाई झगड़े वालों में इन्होंने जो मुगलों का न्यायिक व्यवस्था का जो कानून चला रहा था तो उसमें थोड़ा सा संशोधन किया, जो जैसे पहले हाथ चोरी कर दी, हाथ काट दिया, तो ये सब चीज़ें थोड़ा सा हटा दी, थोड़ा सा संशोधित रूप इसमें किया। अब जब बेंटिंक भाई साहब आए, विलियम बेंटिंक, भारत के प्रथम गवर्नर जनरल, ब्रिटिश भारत के प्रथम गवर्नर जनरल, 31 में इन्होंने अपील की कि ये जो प्रांतीय अदालतें इनको ख़त्म करो, तो इनको प्रांतीय अदालतों को ख़त्म कर दिया, इसने बनाई, बेंटिंक ने इनको ख़त्म कर दी, और इनका जो काम है प्रांतीय वालों का, एक तो देखने लगा डिस्ट्रिक्ट जज यानी कि जिलाधीश, जिला न्यायाधीश देखने लगा, और एक देखने लगा डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर। ठीक है, काम देख रहे हैं, अदालतें ख़त्म हो गई, काम कौन देख रहे हैं, डिस्ट्रिक्ट जज और डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर। 65 में क्या हुआ, 65 में सदर अदालतें जो ये थी, ऊपर वाली भी हटा दी, नाम ही हटाया, ये हटा दी, और 65 में क्योंकि अभी तक 65 तक अंग्रेज़ों के पास लगभग पूरा भारत इन्होंने जीत लिया, पूरा बम्बई, बम्बई मतलब इधर से आप शुरू हो जाओ गोवा के आसपास से, महाराष्ट्र के दक्षिण से शुरू हो जाओ, और पूरा गुजरात और आगे राजस्थान तक जो पूरी पट्टी है कहलाती थी बम्बई, पहले भी बता, ठीक है, ऐसे ही मद्रास वाला, मद्रास एक सिटी नहीं, मद्रास पूरी पट्टी है मद्रास थी, ठीक है ना। तो अपनी इनकी तीन प्रेसिडेंसी थी यानी कि पूरे भारत में तीन सेंटर, तो यहाँ इन्होंने 65 में कलकत्ता, मद्रास, बम्बई में क्या बनाए, हाई कोर्ट बनाए। ठीक है, अब ये ध्यान दीजिए, कलकत्ता, मद्रास, बम्बई में हाई कोर्ट कब बने, 65 में कब बने, कलकत्ता, मद्रास, बम्बई में हाई कोर्ट कब बने, 65 में कब बने, यस 65 में बने। और जैसे मैंने बताया इनमें जो अभी तक जो व्यवस्था थी, कानून जो था शास्त्र शरीयत फरमान के हिसाब से ही चल रहा था, लेकिन धीरे धीरे व्याख्याओं के आधार पर और तर्कों के आधार पर धीरे धीरे उनको चेंज करना शुरू कर दिया। जब 1833 का चार्टर एक्ट आया, यानी कि बेंटिंक के समय 1833 का चार्टर एक्ट आया, तो उसमें कानून बनाने का अधिकार दे दिया गया गवर्नर जनरल की काउंसिल को, किसको दे दिया गया, रिप्लाई कीजिए, यस बोलना है आपको, बोलना ही पड़ेगा, समझना है तो यू हैव टू स्पीक, ठीक है, बोलना पड़ेगा, धीरे धीरे बोल लीजिए कोई बात नहीं, लेकिन बोलना जरूर है। ओके, तो 1833 का चार्टर एक्ट आया, कानून बनाने का अधिकार किसको मिल गया, गवर्नर जनरल को, काउंसिल को। अब अगर प्रधानमंत्री को शिक्षा नीति बनानी है तो क्या अपने आप थोड़ा ही बनाएंगे, वो क्या करते हैं, जिन लोगों की इन चीज़ों में एक्सपर्टाइज होती है, एक्सपर्ट होते हैं, जो इन विषयों के गहरे जानकार होते हैं, उनको एक काम दे देते हैं। तो इन्होंने एक कमेटी बनाई, ठीक है, और उसके अध्यक्ष, 33 में कमेटी बनाई, उसके अध्यक्ष था मैकाले, कौन, मैकाले, लॉर्ड मैकाले था, और विधि आयोग बनाया, ठीक है, विधि आयोग, क्या बनाया, विधि आयोग। विधि आयोग क्या बनाया, विधि आयोग। ओके जी, अब विधि आयोग जब बनाया तो उसका अध्यक्ष कौन था, मैकाले। मैकाले ये वही है जिसने ये सुझाव दिया था 35 में जब शैक्षणिक सुधार चाह रहे थे कि जो भाषा है यानी कि जो शिक्षा की भाषा है उसका जो माध्यम है वो क्या होना चाहिए, अंग्रेजी। और इसने ये भी कहा था कि मैं ऐसे अंग्रेज पैदा करूँगा जो देखने में, शक्ल में, सूरत में, ब्लड में तो भारतीय लगेंगे, लेकिन सोच विचार अनुशासन में कैसे होंगे, अंग्रेज। ठीक है, यानी कि अंग्रेजी सीख गए, पूरे अंग्रेज बन गए, पैंट शर्ट टैप फैट पैट सब। ओके, और वास्तव में इसने बनाए भी, हम बन भी गए आधे अंग्रेज। ठीक है, और इसी को काम दिया गया फिर बाद में दंड संहिता बनाने का। भारतीय दंड संहिता किसने बनाई, मैकाले ने बनाई, फिर बाद में उसमें धीरे धीरे सुधार होते गए। भारतीय दंड संहिता किसने बनाई, मैकाले ने। अब इसके बाद क्या हुआ, सारे देश में क्या हो गया, एक कानून लागू हो गया, पहले की तरह नहीं कि अलग व्यक्ति के लिए अलग, गरीब के लिए कठोर, अमीर के लिए सॉफ्ट। ठीक है, और इसको लागू किया गया न्याय की जो ये प्रणाली थी यानी कि समरूप प्रणाली के की सहायता से इसको पूरे देश में लागू किया गया। ओके, तो मैं क्वेश्चन पूछता हूँ छोटे छोटे, जो कलकत्ता में कोर्ट बना, कलकत्ता में जब कोर्ट बने, सदर दीवानी या सदर फौजदारी, फौजदारी को निजामत भी बोलते हैं,
ठीक है, तो ये कब बने, कब बने, रिप्लाई कीजिए यस यस कब बने, बने बने 74 में बने, किस एक्ट के तहत बने, यस रिप्लाई कीजिए, यू हैव टू स्पीक, बोलना पड़ेगा आपको, बोलना पड़ेगा, ठीक है, यस रेगुलेटिंग एक्ट 1772, और इसका जनक किसको माना जाता है न्याय व्यवस्था का भारत में, यस वॉरेन हेस्टिंग्स को, किसको माना जाता है, वॉरेन हेस्टिंग्स को माना जाता है, गुड। अब कॉर्नवालिस ने इसको सुदृढ़ किया, इसने क्या काम किया, चार कलकत्ता के चार भाग बना दिए, और बीच में क्या कर दिया इसने, चार प्रांतीय अदालतें भी ऐड कर दी, पहले दीवानी में जाओ, फिर प्रांतीय में जाओ अपील करो, फिर वहां, और इसके साथ साथ रजिस्ट्रार और अनेक छोटी छोटी अदालतें भी। ओके आगे बढ़ते, इसमें थोड़ा सा संशोधन कर दिया, वही चार प्रांतीय अदालतें इसमें भी, लेकिन बेंटिंक जब आया 31 में, उसने क्या अपील की, प्रांतियों को खत्म कर दो, प्रांतीय हो गई खत्म, प्रांतीय अदालतें खत्म, और इसका काम किसने देखा, डिस्ट्रिक्ट जज और डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर ने। अब 65 में क्या है, सदर भी खत्म, पहले प्रांतीय खत्म, सदर खत्म, सदर की जगह क्या हो गए, कलकत्ता मद्रास बंबई में, यानी कि 65 में क्या बन गए, हाई कोर्ट। हाई कोर्ट कब बने भारत में, कलकत्ता मद्रास बंबई में, 65 में, 65 में सबसे पहले हाई कोर्ट कलकत्ता मद्रास बंबई में। ओके बंबई मतलब आप कह सकते हो ये महाराष्ट्र का कह सकते हो, हाँ। और जो इसमें न्याय किसते थे, किसके अनुसार देते थे, शास्त्रों के हिसाब से, शरीयत या फिर फरमान के। 33 में एक चार्टर एक्ट आया, उसमें क्या हुआ, यस क्या हुआ बताओ, कानून बनाने का अधिकार किसको दे दिया, गवर्नर जनरल की काउंसिल को, यानी कि वैसे नहीं जो पहला कानून चला, परंपरा चली, आंख मीच कर उस पर विश्वास करो, अब क्या दिए जाने लगे, तर्क व्याख्याएं। ओके तो इसके लिए एक बना विधि आयोग, विधि आयोग कब बना, जब चार्टर एक्ट आया 33 में, इसका अध्यक्ष कौन था, मैकाले, यस। और फिर बाद में इसने भारतीय दंड संहिता भी तैयार की, तो एक स्ट्रक्चर खड़ा कर दिया इन्होंने बेस। लेकिन ये इसका दुरुपयोग भी करते थे, जैसे मैंने बताया दुरुपयोग करते थे, कई बार अगर यूरोपियन का और भारतीय का मुकदमा है तो भेदभाव करते थे, जनरली जो भारतीय जज हैं यूरोपियनों के मुकदमे नहीं सुन सकते थे, और कई बार अपने प्रतिद्वंदी या अपने दुश्मन को या अपने शत्रु को फंसाने के लिए क्या करते थे, झूठा मुकदमा भी ये कर देते, जैसे वॉरेन हेस्टिंग्स ने बंगाली ब्राह्मण था एक नंद कुमार, उस पर झूठा मुकदमा लगाया और उसको फंसा दिया और चढ़ा दिया फांसी। ओके तो दुरुपयोग भी किया, सुधार भी किए, दुरुपयोग भी किए। ओके हालांकि सारा जो इनका था वो किसके लिए था, अपने लिए था, भारत की कोई सेवा की इनकी इच्छा नहीं थी, कुछ एक लोगों को छोड़कर। ओके तो हाँ मैं एक बात और कहना चाह रहा था, देखिए जब आपका कोई अपना दुख में है और आपकी उसके नाराजगी है, तो कोशिश कीजिए अपनी नाराजगी को कुछ समय के लिए एक साइड में रख दें, अपनी नाराजगी को दूसरे साइड में रखने में ही आपकी समझदारी है। ओके उस समय उसको नाराजगी अपनी बिल्कुल ना दिखाएं, उस समय उसकी सहायता करें। ओके ये जीवन के छोटे छोटे अनुभव हैं, और इनसे क्या होगा, आपके रिश्ते मजबूत होंगे, जीने का मजा आएगा। ओके तो इसी के साथ इसका समापन करते हैं, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नेक्स्ट विषय के साथ। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।